भगवान को, ईश्वर को और हमारे दर्शकों को। भगवान के आशीर्वाद है और दर्शकों का प्यार है, बस ये दोनों हमारे साथ है, तो इसीलिए ये नामुमकिन मुमकिन हो गया है। एक ही टीम के साथ सारे लोग रोज़ हम लोग मिलजुल कर आपको भी हंसा रहे और हम लोग भी एंजॉय करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसे ही चलता रहे, ऐसी आपकी दुआएं हमको चाहिए और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इंटरेस्टिंग तो रोज ही आपको देखने मिलता है। अभी अजय भाई, अजय देवगन और काजोल जी आ रहे हैं। जो अभी मैंने बोला वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा आपको? और इंटरेस्टिंग क्या? और इंटरेस्टिंग तो नहीं नहीं रोज तारक मेहता की उल्टा चश्मा की जो हर स्टोरी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और एक ऐसा एक प्रयास करते हैं कि रोज कुछ नया हम लोग दर्शकों को दे सके। अभी अजय देवगन जी और काजोल का एपिसोड देखेंगे ताना जी के अंदर, फिर वरुण धवन आ रहे हैं स्ट्रीट डांसर के साथ, और बहुत सारी आगे एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, एक चमत्कारी अंगूठी। तो रोज रोज नई नई स्टोरी है और मुझे मालूम है कि पोपटलाल की शादी के बारे में बहुत इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ, आप भी लड़की ढूंढिए, जब वो लड़की मिल जाएगी हम लोग उनका शादी अवश्य कराएंगे। और दया भाभी अहमदाबाद की गलियों में खो गए हैं, हमारा उनको ढूंढने का प्रयास चालू है, वो भी जल्द आ जाएंगे, क्योंकि जेठालाल चंपकलाल गढ़ा का जो फैमिली है हम भी महसूस करते हैं कि दया भाभी की हमको भी कमी कभी थोड़ी खलती है, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे, ये मैं आपको एकदम वादा करता हूँ। और ऐसे ही 3000 एपिसोड जल्द हो जाए और ऊपर वाले का आशीर्वाद बरकरार रहे, वो ही आपको से दुआ करता हूँ। नहीं इधर तो रोज नया नया मेमोरी है, इधर का तो अब क्या बात, रोज नया नया घटना होता है। ऐसे हम उसमें से कोई एक बताइए। बोलो। आपने सवाल पहली बार पूछा, किसी ने पहली बार पूछा तो अभी वो आप है। नहीं नहीं बहुत सारी घटना है, जब अक्सर जब ऐसा कुछ मुकाम हासिल होता है ना तो पहला एपिसोड में याद करता हूँ, जब हम लोग सब नए थे, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्यार मिलेगा। देखो सफलता मिलती है लेकिन दर्शकों का प्यार मिलना वो सबसे बड़ी बात होती है, तो ये दर्शकों का जो प्यार मिला है जो करोड़ों रुपया देके भी नहीं मिलता है, तो वो एक सबसे बड़ी ये मेरे लिए यादगार चीज़ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ। और बाकी तो रोज़ हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं, रोज़ किसी ना किसी का बर्थडे होता है, शादियाँ होती रहती है, सबके घर में बच्चे आते रहते हैं। करोड़पति हो गया। नहीं ऐसा ही सब बस व्यूअर का प्यार हमारे पर रहे, आशीर्वाद रहे और हम सारी टीम यूं ही साथ में काम करते रहे, वही मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। सब अपने तन मन से तंदुरुस्त रहे और जो फैमिली कॉमेडी है हम कभी भी वो सब लोग अपने बच्चों के साथ परिवार में दादाजी पोते के साथ और सब मिलके मिलते जुलते रहे, वही हमारे राइटर को भी प्रेरणा देते रहे। हमारे डायरेक्टर भी हार्डली कोई टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐसा डायरेक्टर होगा कि जिन्होंने इतने एपिसोड किए होंगे, तो हमारे अर्शद भाई, मालव भाई, पूरी प्रोडक्शन टीम, मेरे स्पॉट बॉय लाइटमैन और सारे लोग। अभी इस सुनहरे मौके पर शैलेश जी का आप कुछ सुनिए और कुछ शायरी सुनाएंगे। थैंक यू। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों का जो साथ प्यार जो है जनता का ऐसे ही हम लोगों को बना रहे, और बस ये 2900 तो एक छोटा सा अंक मात्र है और क्या, अभी तो इसके आगे बहुत सारे शून्य लग रहे कविता, ये सब तो बोल चुके हैं आपको, इधर कविता बोलने के लिए बुलाया। देखिए सिर्फ एक पंक्ति बोलूंगा कि न महत्वपूर्ण 2800 है, न 2900 है, न 3000 है,
महत्वपूर्ण सिर्फ जनता का प्यार है। शीघ्र कवि, शीघ्र कवि है। वही वही बोला, वही वही बोला, वही इनका कवि कवि। क्या खुशी, कोई खुशी की बात है क्या? नहीं, सवाल नहीं, खुशी की बात नहीं लग रहा। 2900 क्या है, मजा नहीं आ रहा। वो आंकड़ा पसंद नहीं हमको, 3000 का आंकड़ा पसंद है। 5000 बस काम करेंगे, इसके खत्म होते सीन करेंगे। पिछले 12 साल से आसिफ भाई ने हमको कर्मयोगी बना दिया है। हमको काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, ना कुछ दिखता है। सुबह उठते ही थैला लेके निकल पड़ते हैं शूटिंग पे, आते पूरा दिन 12 घंटा शूटिंग करते, वापस घर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तमाम होती है। नहीं, बहुत ही दर्शकों का बहुत बहुत हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। लगातार ये 12वां साल चल रहा है, बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पे, कि जहाँ शोज़ कोई शोज़ 2 महीना 3 महीना, कोई कोई तो 1 महीने में बंद हो जाता है, वहाँ 12वें साल में भी अब पिछले हफ्ते आई थिंक नंबर 3 पे था। मतलब ये टॉप 5 में तो हम ही पीछे, मतलब हमेशा से। तो ये वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो अपने गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज का उपकार मानूंगा, भगवान स्वामीनारायण का उपकार मानूंगा, कि सबसे बड़ी बात कि 12 साल तक हम सबको तंदुरुस्त रखा, ताकि हम सब ये 12 घंटा काम करके लोगों को हंसा सकें। नहीं तो हास्य पैदा करने के लिए हम शुरू में मजाक ऐसा कर रहे थे, लेकिन यकीनन ये अद्भुत है, सही में दैवीय है, जैसा कहा ये डिवाइन है, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम लोगों ने शो शुरू किया था, हम में से किसी को नहीं पता था कि हम शो नहीं बना रहे हैं, हम एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि हमारे ईश्वर की कृपा, मैं सरस्वती जी और इन्होंने क्या नाम बोला यार, क्या पहचानते नहीं क्या मेरे को? ये देखो जैसे मेरे पास में खड़े ये दिलीप जोशी जी हैं जो जेठालाल का रोल करते हैं। ये मैं... जो कोई है, इन्होंने बोला कि आके खड़े ले इधर, इन्होंने जैसे इन्होंने बोला ए शिशु नहीं बोला। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है, हम दोनों ही बोल रहे हैं, मैं शैलेश लोढ़ा, दिलीप जोशी, कि ये मैं माँ सरस्वती और बाला सरस्वती जी का भक्त हूँ। आप हम सब हमारे ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी ही बस तंदुरुस्ती दें, स्वास्थ्य दें, और ऐसी ही काम करने की क्षमता दें और इच्छा दें। अभी हम कर नहीं रहे थे, देख नहीं रहे हम आपस में क्या, यही तो केमिस्ट्री है जो स्क्रीन पे नजर आती है, प्रोजेक्ट होती है, और इसीलिए तो लोगों को जब हम एंजॉय करेंगे तब तो लोग एंजॉय कर पाएंगे, हम एंजॉय नहीं करेंगे तो लोग कैसे एंजॉय कर पाएंगे। वैसे भी एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, बड़ा मजा आता है, हम साथ में बैठते हैं तो बड़ी हंसी मजाक चलती रहती है, और वही फिर पर्दे पे नजर आता है। बहुत 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 खुशी, 2900 टाइम्स खुशी हो रही है, पर आगे और भी होगी, 3000 टाइम्स एंड काउंटिंग। आप दोनों ने जिस तरह के कैरेक्टर को प्ले किया है, लोगों को काफी पसंद आता है, आप दोनों कितना एंजॉय करते हैं अपने कैरेक्टर को? हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है, इसे कोमल मैम बुलाते हैं, मुझे रोशन मैम बुलाते हैं, ऑडियंस भी सामने, अपने टीम में से तो होते ही है, अपने टीम में से बहुत लोगों के होते हैं ऐसे गूफ अप्स की इनको बोल देते हैं कोमल मैम और मुझे रोशन मैम, पर ऑडियंस भी, बिकॉज दे गेट सो एक्साइटेड, वो इतना प्यार करते हैं हमसे कि वो हमारा नाम भूल जाते हैं, उनको सिर्फ कोमल मैम रोशन मैम। हम लोगों को अभी पता है कि वो लोग हम लोगों को बुला रहे हैं, मुझे रोशन मैम बोले तो भी मैं हाय बोल दूँ। यस यस सो ट्रू। 11 साल अब 12 साल काफ़ी पसंद आ रहा है, ये बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होगी आप लोगों के जहन में, तो हर दिन एक नई मेमोरी है, हर दिन हम लोग बिहाइंड द सीन्स बहुत मस्ती करते हैं, ऑन स्क्रीन भी बहुत सारी मस्ती होती है। दिस इज नॉट फेयर, 12 इयर्स में यू आर आस्किंग अस टू चूज वन मेमोरी, एक्चुअली कोई ऐसी है, अच्छा ठीक है 2 दिन अगर आप कुछ शेयर करना चाहें।
मुझे एक ध्यान है कि एक बार सांप का कुछ एपिसोड में कोई सांप यूज होने वाला था, तो अमित मतलब चंपक चाचा ने बबीता के ऊपर सांप फेंक दिया था और वो चप्पल लेके उसके पीछे पूरा सेट पे दौड़ी थी। मतलब इमेजिन ना, बाबूजी ऐसे आगे आगे दौड़ रहे, बबीता पीछे चप्पल लेके दौड़ रही है, ऐसा पूरा हो रहा था। इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि अमित सबसे नॉटी है सेट पे, सबसे ज्यादा मस्ती वही करता है। मुझे याद है एक बार मैंने उसको ऐसे डंडे से मार दिया था, उसे टन आवाज आई तो दिलीप जी ने बोला अरे जेनी उसकी हड्डियाँ इतनी टूट टूट जाएगी। मतलब सब अलग अलग तरीके से नॉटी जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसे सब बहुत अलग है, बट बिहाइंड द सीन्स हम सब वी जेल वेल, सो वी आर लाइक अ फैमिली। मेमोरीज बहुत सारी है, बहुत डे वन से हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। ये जैसे कोई कहता है कि ऐसा लगता नहीं है कि आप सीरियल के हैं, ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में पड़ोसी हैं, आप एक्चुअल में फैमिली है, तो वो फीलिंग हम लोगों में भी है, वो केमिस्ट्री है हम लोगों में। जैसे असित जी ने बताया, सारे सब लोगों के बर्थडेज मनाते हैं, सब लोगों की शादियां में जाते हैं, वी हैव सीन एक्चुअली लव अफेयर ऑन द सेट, गेट देम गेटिंग मैरिड एंड नाउ दे आर हैविंग अ बेबी, सो वी हैव सीन द एंटायर प्रोसेस। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कितने सारी चीज़ों में हम लोग लाइक फैमिली बन गए हैं, वी हैव सीन ऑल टाइप्स ऑफ डेज टुगेदर। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, इसी तरह से ब्लेसिंग दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये पूरा 2900 और इसके आगे जो होने वाले हैं इस सफ़र में, आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। एंड ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए, गलती हो तो उसके लिए माफ़ माफ़ कर। एक नंबर आपका है पूरा, आप सब में काम कर रहे हो, आप काम कर दो सब में। कोई भी न्यूज़ वायरल करनी हो आपको कांटेक्ट करना, कैरियर सबको फॉरवर्ड करना। मुझे नंबर देके जाना। हेलो एवरीवन, हेलो, कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी आप सबको। थैंक यू सो मच। जानना चाहूंगी कि कितनी खुशी हो रही है 2900 एपिसोड्स का कंप्लीट। एक्चुअली अभी तो हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, लेकिन मैं स्पेशली खुशी से ज़्यादा अभी बहुत इमोशनल हो चुका हूँ, क्योंकि यार इतने साल हो गए लेकिन आप फिर भी वही प्यार बरकरार कर रहे हो और इतना साल से हमें प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू के अलावा, थैंक यू भी एक छोटा वर्ड हो गया है अब तो, क्योंकि इतने साल से हम आपको थैंक यू ही बोलते जा रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा आप सभी को, लव यू गाइज, लव यू, थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए। मैंने बहुत अभी नया नया ज्वाइन किया है और इतना सारा प्यार मिल रहा है आप सब लोगों का, तो सच में थैंक यू जो है वो बहुत छोटा सा वर्ड है। आई थिंक थैंक यू नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, आप लोग जितना प्यार देते हो हम लोग उतना प्यार रिटर्न आपको नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और उसकी कोशिश मैं कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव। और आज हम लोगों के 2900 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, उसमें से मेरे तो आई थिंक 50-60 होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि 2900 में जो जीरो है वो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और इस शो के साथ हम सब लोग भी ग्रो करें। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, 2900 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं आज हमारे, मतलब आज टेलीकास्ट होगा हमारा, तो मिक्स फीलिंग्स है, खुशी भी है और एक वो चीज़ भी याद आ रही है जब पहले हम सब आए थे यहाँ पर, ये मैं गोली जो था, एक्चुअली हम इतने से थे, आज 13-12 साल हो गए हमको यहाँ पर, तो एक वो फीलिंग है कि यार कहाँ थे, सॉरी कहाँ से हमने, कहाँ आप लोगों ने हमें पहुँचाया है। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, जो हम आज है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया, कितनी भी बार करें उतना कम है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना आप लोगों ने प्यार दिया है आज तक हमें, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ऑर्डर भी नहीं कर पाऊँगा, एक रिक्वेस्ट और एक प्लीज़ बोल पाऊँगा कि प्लीज़ ऐसे ही हमें कीजिए। और ये जो 3000 है, ये 3000 के 6000, 6000 के 9000, चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन आसिफ सर से एक रिक्वेस्ट है, तारक मेहता कभी बन नहीं होना चाहिए। और आपकी जो अब ये आदत लग गई है तारक मेहता देखने के लिए, वो हमेशा ऐसी आदत रहे, और ये आदत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आदत है। आपको हमारी आदत लगी है, हमें आपकी आदत लगी है कि हम रोज 8:30 बजे आपके घर पर आएं और आपको हंसाएं, तो ये आदत हमें भी लग चुकी है, आपको भी लग चुकी है, तो ये आदत को ऐसे ही बरकरार रखिए और सालों साल हमें प्यार देते रहिए और हम आपको हंसाते रहेंगे। काफ़ी शो के तो 2900 एपिसोड हो चुके हैं, मेरे भी कुछ 750 हो चुके हैं, 748 समथिंग, तो काफ़ी खुशी की बात है। मुझे भी पता नहीं चला कि कब इतना
फासला मैं तय कर चुका हूँ, तो काफ़ी खुशी की बात है। और कैरेक्टर की बात की जाए तो टप्पू एक काफ़ी अच्छा शरारती, मस्तीखोर, संस्कारी, सीधा साधा, भोला भाला, जो बोलो सब है टप्पू। मस्ती भी करता है मस्ती के टाइम पे, संस्कारी बेटा भी है, पोता भी है। तो ये कैरेक्टर करने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि रोज़ ना रोज़ कुछ नया करने मिलता है कैरेक्टर को लेकर शो में, तो काफ़ी मज़ा आता है। कैरेक्टर तो बोल नहीं सकते, लेकिन जब छोटे थे तब पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, सिर्फ लाइन्स आ जाती थी तो और सिर्फ बोल देते थे लाइन्स। लेकिन जैसे जैसे समझ आने लगा कि किस चीज़ को कैसे क्या बोलना है, तो एज एन एक्टर हम सब इवॉल्व होने लगे वो चीज़ को लेके और समझने लगे ज़्यादा वो चीज़ को लेके। तो एज अ एक्टर मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर बहुत सीखने मिला, अपने आप को डेवलप करने मिला। इतने जो हमारे जो को एक्टर्स है वो इतने महान हैं, मतलब हर किसी के पास भर भर के टैलेंट है, तो वो चीज़ का फ़ायदा हमें मिला। लोग जाते पैसे दे के सीखने के लिए, यहाँ पर हमें फ्री में सीखने मिला। तो एज एन एक्टर अपने आप को डेवलप करने का मौका भी मिला और एक खुद का कैरेक्टर सेट करने के लिए भी एक चांस मिला हमें। मतलब मुझे तो कैरेक्टर का इन डेप्थ मालूम पड़ा है कि गोगी ये सिचुएशन में क्या करेगा, तो वो मुझे सीखने मिला है। क्योंकि बचपन में मैं तो सबसे ज़्यादा छोटा था, तो मुझे इतना समझ नहीं था एक्टिंग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, कोई इंटरव्यू देने भी नहीं आता था मुझे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, यहाँ पे लोग हमें ऐसा, ये हमने नहीं सीखा है एक्चुअली में, ये हम अपने आप डेवलप नहीं हो सकते, कोई भी जन अपने आप डेवलप नहीं होता, ये किसी से सीखता है और उससे इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे दिलीप सर है, शैलेश सर है, मंदार अंकल है, मेरे पापा जो प्ले करते हैं, एवरीवन, मैं सबका नाम लूँगा क्योंकि सबके वजह से ही हम सीख पाते हैं कुछ। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो कोशिश कर रही हूँ अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाने की। और खुशी इस बात की है कि मेरी उस कोशिश को मेरे जो प्यारे वेल विशर्स है, फैंस मैं नहीं बोलती हूँ, जो लोग मुझे मेरी कोशिश को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उससे मुझे और भी करेज मिलता है कि हाँ मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। और सोनू की बात करें तो बहुत बबली है, माँ बाप की बहुत लाडली है अपने आई बाबा की, तो बस अपने आई बाबा से बहुत सीखती हूँ। जब भी हमारे भीड़ हाउस के सीन्स होते हैं तो सोनालिका दीदी और मंदार सर मुझे इतना गाइड करते हैं, और इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। और या आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेट्स सी। बहुत प्यार मिला है अभी तक और बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते, तो बस ऐसे ही अपना प्यार हम सब पे बनाए रखना। एक्चुअली जितना भी हम कहें उतना कम ही होता है, हम ऐसा आपको लगता होगा कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि जितना बोले उतना कम है, लेकिन सच्ची में जितना भी आपको थैंक्स कहा जाए उतना कम है। और वो सालों से, और वो चीज़ हम बोल के नहीं, हम प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो बाकी के जो एपिसोड्स हैं, हम सब पूरी टीम, तारक मेहता की टीम, आपको वादा करती है कि हर एक जन का सीन जब भी होगा वो आपको वो सीन याद रहे। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम।